हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टूडेंट्स अबाउट ओवम स्ट्रक्चर। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सो मेनी टॉपिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिक्स वी हैव डिस्कस्ड। In last video, I have discussed about female reproductive system. So here it is very important to understand what is the structure of ovum, or you can say egg. So first, I want to draw the diagram of ovum here. So the basic thing, this is the structure of ovum. Suppose this is a circle. And inside this is a nucleus. This is the nucleus content, and this is the structure of ovum. And this is about nucleus. And some corona radiata, some are radiating rows of follicle cells. So these are the follicle cells which are outside situated, like this. Sometimes they are attached with each other, and in this way. And second thing is about zona pellucida, that is the clear zone. Again here, this is the layer which is called zona pellucida. And you can write here, these are the, what is this students? Corona radiata. Corona radiata. And you can say in simple words, it is follicle cells. Nothing special about this. These are the follicle cells. And again, this thing is, this separate zone is called zona pellucida. And again, a small again this type of layer is found, which is called as vitelline membrane. This line is called, this layer is called vitelline membrane. And all the content which is filled inside along with the nucleus, this is the cytoplasm. This way you can use different colors also. And this is the cytoplasm, and this structure is ovum, which is called secondary oocyte. And a vitelline membrane is this. This is the vitelline membrane, and inside the vitelline membrane, this layer is called as plasma membrane. मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ओवम के जो आउटर मोस्ट ये लेयर है, आई कैन यूज डिफरेंट कलर हियर, आई कैन यूज ग्रीन हियर। सो दिस लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्रीन कलर, एंड आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर अगेन हियर, अगेन आई एम यूजिंग रेड कलर फॉर विटलिन मेम्ब्रेन। दिस इज द विटलिन, एंड ऑल द कंटेंट विच इज फिल्ड इन साइड दिस, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो अगर हम लोग ह्यूमन एग के स्टूडेंट बात करें, तो इसका साइज अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही स्मॉल है साइज में। और दूसरी बात यह है कि इसकी अगर हम लोग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो ये 0.15 मिलीमीटर का डायमीटर है, बहुत ही स्मॉल है, और इट इज ऑलमोस्ट विदाउट एनी यॉक डायमीटर। ये विदाउट यॉक की बात हम लोग कर रहे हैं, विदाउट यॉक। And the yolk is negligible. ऐसा क्यों करा गया students? Because जब भी ये implanted होगा within 7 to 8 days after fertilization, और आपको पता है students, मैंने अपने last lecture में बताया था कि जो fertilization के बाद implantation process होता है वो uterus में होता है, and it will draw the nourishment from the mother through the placenta. Placenta वाला feature हम लोगों ने भी discuss नहीं करा है। और जो human egg है at the time of ovulation, सेकेंडरी ओवसाइट स्टेट पे जाएगा,
और इसके पास एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म कंटेंट होगा, और ओवम को हमने बहुत सारे रेडिएटिंग, जो फॉलिकल सेल्स आपको बाहर ये दिख रही हैं स्टूडेंट, दीज आर द रेडिएटिंग सेल्स, एंड दीज सेल्स प्रोटेक्ट द ओवम टिल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ये जो सेल्स हैं इनको फर्टिलाइजेशन तक जो है प्रोटेक्ट करके रखती हैं, और ब्रेक डाउन हो जाती हैं। सिर्फ ये ब्रेक डाउन तभी होंगी जब कुछ एक्रोसोमल एंजाइम्स आएंगे, और एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, स्पर्म की बात करें अगर। और आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो इसका डिटेल लेक्चर हम लोग मैं डालूंगी कि ह्यूमन स्पर्म के बारे में, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो एक्रोसोम होता है वहां पे बहुत सारे एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि HLA होता है, हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट ह्यूमन स्पर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस वीडियो ओनली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। इफ यू वॉन्ट माई डिटेल्ड लेक्चर्स फॉर योर क्लास 10th लेवल, फॉर क्लास 12th लेवल, और फॉर योर नीट एग्जाम और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, यू कैन ज्वाइन मी ऑनलाइन। एंड थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।